एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने जब रिजल्ट किया था तो हाइड्रोजन एटम के साथ स्टार्ट किया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास घूम रहे, तो हम क्या कहते थे कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यही पहला फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर बाई आर इज सेंट्रीपेटल, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने हाइड्रोजन के लिए काम किया तो जेड 1 था, ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर, पर अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो जेड लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। थर्ड, ये फॉर्मूला एनर्जी का डिफरेंस पता है, रेडियस का एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था, लेकिन हमने इजी तरीके से कैसे किया था इसको 1/137, जिसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं, मैंने इसका शॉर्टकट करवाया था आपको। नेक्स्ट है, एनर्जीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हाइड्रोजन है तो के का मतलब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन के लिए की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2R, ये काइनेटिक एनर्जी है। पर अगर ये हाइड्रोजन नहीं है तो जेड से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा, पोटेंशियल का फॉर्मूला -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई स्क्वायर बाई आर, हमने ये किया था पर जेड से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। काइनेटिक के डिनोमिनेटर में 2R आता है और पोटेंशियल में सिर्फ R आता है, ये डिफरेंस है। जो टोटल एनर्जी होती है इंपॉर्टेंट, तो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो ये शॉर्टकट किया था हमने, तो याद रखना अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल दूं, टोटल एनर्जी मान लो मेरे पास आई -13.6, तो बोलो काइनेटिक क्या होगी, 13.6। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर -13.6 तो काइनेटिक एनर्जी 13.6। दूसरा क्वेश्चन, अगर टोटल एनर्जी -13.6 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, याद रखना डबल, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डबल द टोटल एनर्जी। तो -13.6 × 2 क्या याद रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में बस साइन उल्टा कर देना है और पोटेंशियल में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये अगर ये याद रखते हो तो ये कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, ये याद हो गया हमें। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -13.6 / n² और ये भी सिखाया था -13.6 का मतलब -R × H × C, रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्मूला लिखा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का बड़ा सा फॉर्मूला मेरे को तो याद नहीं है, मैं किसी और तरीके से निकालूंगा पर मैं याद नहीं कर सकता इसे, ठीक। तो 1 बाय लैमडा का फॉर्मूला मैंने करवाया था और इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में याद करना है तो कर लो। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ये सब हमने किया था। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जब ये शीट स्टार्ट है ना तो 2-3 क्वेश्चन आते नहीं है ऐसे, जैसे कह रहे हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व करके दिखाओ किसके इक्वल होती है। अब थ्योरी में जाओ, पहले ये रिडबर्ग कांस्टेंट ढूंढो, रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखो और फिर सारी वैल्यूज पुट करके ये लिखो, या याद ही कर लो 1.09 × 10⁻⁷, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी कह रहे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है, मुझे पता है ये 1/137, ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ये ठीक है क्योंकि एल इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एन, की जगह क्या पुट करेंगे 3, ठीक है। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस की डेरिवेशन हमने की थी वो, क्योंकि पहली डेरिवेशन हाइड्रोजन एटम में रेडियस की ही थी, तो रेडियस का फॉर्मूला सीधा ड्राइव कर देना, बात खत्म। और कैलकुलेट रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, स्मॉलेस्ट ऑर्बिट में एन की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो आंसर ठीक है। इसके ऊपर थोड़े कम ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और हाउ मेनी टाइम डज द इलेक्ट्रॉन गो इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी टाइम 1 सेकेंड का मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, 1 सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि सेकेंड पार्ट में क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो पहले पार्ट में क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी किया था उसमें, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। फिर 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर बाय वेलोसिटी। तो आर पता है, वी पता है, आर आपको निकालना पड़ेगा इसमें फॉर्मूले से, वी आपको निकालना पड़ेगा, तो टाइम आएगा,
वैसे ऐसी प्रॉब्लम कम ही देखी है मैंने इसके ऊपर। जो नॉर्मल प्रॉब्लम आती हैं जो मेरे को ऐसा लगता है वो आनी चाहिए एनर्जी पे, ऐसी 15 प्रॉब्लम पढ़ो। इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में होता क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो आपने उसे सेपरेट कर दिया, तो यानी कि आपको कितनी एनर्जी देनी है, टोटल एनर्जी देनी है जो इलेक्ट्रॉन के पास थी जिससे कि वो बंधा हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, -13.6 बाय एन स्क्वायर, तो आपको उतनी एनर्जी देनी है। तो -13.6 आपने अगर एनर्जी दी तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी गिवन है, आपको इसमें क्या निकालना है, ऑर्बिटल रेडियस बताना और वेलोसिटी बताना है क्या है। तो रूल नंबर वन, आपको टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, -13.6, क्योंकि टोटल हमेशा नेगेटिव में होती है, तो जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्टली इसका पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए इस टर्म को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव, तो दैट इज 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या बन गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आज मैंने आपको करवाया 1/4πε0e²/2r, तो आप इन्हें अगर इक्वेट कर लें, ई पता है यहाँ से क्या आ गया आर, तो टोटल एनर्जी से आर कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में आ रहा है। टोटल एनर्जी को का नेगेटिव हटा के क्या निकलेगी, काइनेटिक, और काइनेटिक का ये फॉर्मूला लगा के 1/4πε0e²/2r लगा के क्या निकलेगा, आर। फर्स्ट पार्ट क्लियर। फिर सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी पता है मुझे, इस बार फॉर्मूला लगा लो ½mv² वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से वेलोसिटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। तो टोटल एनर्जी से, बड़ी काम की चीज है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी से काइनेटिक भी आ जाएगी, पोटेंशियल भी आ जाएगी, रेडियस भी आ जाएगा और वेलोसिटी भी आ जाएगी, और आर और वी आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।